हाँ तो स्वागत है आपका आयुष के YouTube चैनल में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रणवीर संस्कृत विद्यालय में एडमिशन के लिए क्या करना पड़ता है, जो कि बनारस में स्थित है, और यहाँ के हॉस्टल दिखाऊंगा आपको और यहाँ के बच्चों से भी आपको बात कराऊंगा। तो यहाँ पर एडमिशन फॉर्म कब से कब भरे जाते हैं और कितने रुपये में भरे जाते हैं, वो सब देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो आइए आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं जो है यहाँ आपको रणवीर संस्कृत विद्यालय के कुछ बच्चों से मिलाता हूँ, जो कि आप लोगों को बताएंगे पूरी जानकारी। तो भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम गौतम है जी। आप मतलब यहाँ पर ये रणवीर संस्कृत विद्यालय में जैसे किसी बच्चे को एडमिशन करवाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बनारस में कमाख्या चौराहा है, कमाख्या चौराहा के पास रणवीर संस्कृत विद्यालय है, तो यहाँ से ऑफलाइन फॉर्म लेकर उसको भर के जमा कर सकते हैं, और फॉर्म फीस है 200 रुपये जी। तो मतलब यहाँ पर क्या क्या विषय पढ़ाया जाता है? यहाँ 5 विषय पढ़ाए जाते हैं, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, साहित्य, वेद। मतलब संस्कृत के अलावा और भी ज्ञान कराए जाते हैं? हाँ, दूसरे सब्जेक्टों का, कंप्यूटर, अंग्रेजी और हिंदी, विज्ञान भी, ये सब, साइंस, इतिहास, सबका, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हाँ, सब। और मतलब यहाँ पर खेल कूद प्रतियोगिताएं, ये सब खेल कूद भी यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ से बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में जाते हैं, हमारे माधव भैया लोग गए थे, आयुष भैया भी गए थे, कमलाकर भी गए थे। तो मतलब यहाँ पे जैसे किसी को मतलब कि मान लीजिए जैसे कोई बहुत दूर से आ रहा है और उसको रहने के लिए कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पर क्या करेगा फिर? जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा ना जी, तो जो है आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी जी। अच्छी रैंक आती है तो फिर उसमें आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो हॉस्टल में कैसी क्या सुविधाएं हैं, खाने पीने का? और रहने खाने की व्यवस्था है, रूम फ्री है, हॉस्टल का पूरा खर्चा फ्री है, मेस भी है जी। तो वहाँ बनाना ही पड़ता है, मतलब मेस में जाएंगे आप खाएंगे जी। जी जी। तो आप मतलब इस साल आपका कौन सी क्लास में है आप? मैं इस साल उत्तर मध्य प्रथम वर्ष में हूँ। अच्छा, तो आपकी क्या पढ़ाई चलती है? मैं व्याकरण का छात्र हूँ। अच्छा, आप मतलब इसमें सब्जेक्ट भी लिए जाते हैं? हाँ, इसमें जैसे आप 5 विषय बताए ना, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, वेद, इन विषयों में से एक विषय आपको कोई लेना पड़ेगा, और साइंस या इतिहास, इनमें से दो में से एक लेना पड़ेगा। तो मैं जो है साइंस और व्याकरण का छात्र हूँ। अच्छा अच्छा, तो और ये भैया आप कौन सी क्लास में हैं? मैं उत्तर मध्य प्रथम वर्ष में। आप इन्हीं के साथ हैं? हाँ, इन्हीं के साथ जी। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा शिवम जी, और आप जो है ठीक है, आप पढ़ाई करिए, और आप जो है लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस विद्यालय के बारे में, जैसे किसी को एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या बताना चाहेंगे, क्या अच्छा है कि कैसा है मतलब विद्यालय, अगर वो आए? यही है कि अगर वो बनारस आया तो उसको रणवीर संस्कृत विद्यालय की जानकारी होना चाहिए। और ये हमारे सुनने में आया कि BHU से भी रिलेटेड है? BHU की एक छोटी ब्रांच। अच्छा, इसकी दो ब्रांच है, इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम गर्ल्स, इंग्लिश मीडियम बॉयज, और संस्कृत मीडियम बॉयज। मतलब जैसे मतलब यहाँ जो है 6, 7, 8 इनका जो पेपर नहीं होता, इनका डायरेक्ट एडमिशन होता है लॉटरी सिस्टम से। अच्छा अच्छा, और 9वीं और 11वीं का एग्जाम होता है जी जी, उसमें जो एग्जाम में पास होते वही बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं जी। तो आपने बहुत अच्छा, ठीक है, तो आपने भी इंटरेस्ट निकाला था? हाँ हाँ, इंटरेस्ट निकाला था, मैं यहाँ 9वीं क्लास से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो देख सकते हैं आप, विद्यालय बहुत बड़ा है और इधर पे यहाँ पे पढ़ाई होती है और ये सब छात्र यहाँ बैठे हैं, तो आप आ सकते हैं। मतलब आप बताना चाहेंगे लड़कों को क्या सीख देना चाहेंगे कि आ सकते हैं? मैं यही सीख देना चाहता हूँ, अगर बच्चों को संस्कृत पढ़ना हो तो रणवीर संस्कृत विद्यालय में आए। जी जी, ठीक है, धन्यवाद, आपसे बहुत मिलकर अच्छा लगा, ठीक है फिर। हाँ तो ये देखिए, ये हमारा हॉस्टल है और यहाँ हॉस्टल की सुविधाएं भी अच्छी हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपने रूम पे, और हॉस्टल भी अच्छा है, बहुत अच्छा, सुंदर है, और बच्चों का हॉस्टल है तो सुंदर तो होगा ही। और यहाँ पे देखिए, आपको दिखाते हैं, ये हॉस्टल का ए ब्लॉग और बी ब्लॉग है यहाँ पे। तो ये हमारा ए ब्लॉग है और ये हमारा जो सामने दिख रहा है ये हमारा बी ब्लॉग है। तो यहाँ पे आपको एडमिशन 15 अप्रैल से होंगे और 15 अप्रैल से 15 मई तक फार्म भरे जाएंगे, तो आप इसमें फार्म भर लें और फार्म भर के आप इनका इंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लें। इंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपकी 10वीं रैंक तक आती है तो आपको हॉस्टल मिलेगा, नहीं तो हॉस्टल तो फिर नहीं मिल पाएगा, आपको रूम में लेकर रहकर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं, ये देखिए, ये ऊपर का दूसरा खंड है, तो आप यहाँ पे आपको लाने के लिए 10वीं रैंक के लिए लाना पड़ेगा, और यहाँ पे रूम भी अच्छे मिलते हैं। ये देखिए, आपको रूम दिखाई दे रहे हैं, रूम भी यहाँ पे अच्छे हैं, सभी रूम, दो टेबलेट।